अबकी बार किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी। हमारे हिसाब से मोदी जी को ही आना चाहिए और मोदी जी ही आएंगे। केजरीवाल, केजरीवाल सीएम पद पर आएंगे, फिर चुनेंगे। ऑब्वियसली मोदी साहब ही जीतेंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हां, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी केजरीवाल ही लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ प्रीति वर्मा। मैं अपने कैमरे के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर कर पहुँच चुकी हूँ दिल्ली के इंडिया गेट, जहाँ पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। मैं बात करने वाली हूँ आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ मोदी जी का बोलबाला है तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी भी कोई पीछे नहीं है। वहीं केजरीवाल भी पीएम पद के दावेदार हैं, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी ये दावा करते हैं कि वो भी पीएम बन सकते हैं। तो आइए भारत के अलग अलग प्रांत के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है, 2024 में वो किसे पीएम पद पर देखना चाहते हैं। अफ्रीकन क्या मकसदी कर लिया, अफ्रीकन क्या मकसदी कर लिया। पोजिशन में होते लोग कहने वाले कहते रहते, कोई भी कितना भी सही हो लेकिन उसको गलत कहने वाले होते। अगर गलत वाले कहने वाले ना हो तो हम आदमी सही कैसे चलेगा। हमें कमी पता लगता है, कभी मोदी को उनकी कमियों का पता लगता है, वो सही करते हैं। और किसी का ऑप्शन ही नहीं है ना, और किसी का ऑप्शन ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि वो मैम, आप क्या चाहते हैं, कौन बनेगा 2024 में? मोदी के साथ सर, लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। डिसीजन मेकिंग वाला जो है ना, वो उनके अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके। कोई शक नहीं है, मैम आप बताइए। मुझे भी नरेंद्र मोदी, आप बताइए ऐसा क्या है मैम मोदी जी, क्योंकि और भी लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि सीएम बनेंगे, जैसे केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी दावा करते हैं, ये मोदी की बात कुछ और। आइए यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम सबकी राय लेते हैं। अलग अलग प्रांत से लोग जो यहाँ पे आते हैं, हम सबकी राय लेते हैं और जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, जनता का मूड क्या है, अब की बार वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन है, प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मोदी जी आएंगे और गांव तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब इसका क्या प्रोसेस है हमें नहीं पता, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच रहा है, शहर में है
लेकिन गांव तक नहीं पहुंचे। ये मेरा मतलब इच्छा थी, आज आ रहे थे सोच रहे थे कि अगर कोई मिलेगा तो मैं ये चीज कहूँगा गांव तक पहुंचाने के लिए। मतलब आपकी भी चॉइस मोदी जी है, लेकिन आपको ये मोदी जी से शिकायत है और रिक्वेस्ट भी है कि जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंचे ना गांव तक पहुंचाए जी। और गांव में सब उठाना, मैं खुद अध्यक्ष हूँ, मतलब बीजेपी का। अच्छा, अपने ग्राम सभा कोहरी का खुद ही अध्यक्ष हूँ, मैं जौनपुर जिला का, उत्तर प्रदेश। अगली बार किसकी सरकार, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी से खुश है आप? मैम आपको क्या लगता है अबकी बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी सर आप बताइए, क्या लगता है आपको अबकी बार किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल, केजरीवाल सीएम पद पर आएंगे? मोदी जैसा खुश नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर अभी केजरीवाल की जो पार्टी है उसमें कई सारे नेताओं को जेल हो रहा है, क्या लग रहा है कि अब आया सही रूप से काम करेंगे? ये मोदी की चाल है, कोई कमी नजर नहीं आती आपको केजरीवाल सरकार? सर आपको क्या लगता है, सर क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली वालों को पता होगा सर, मोदी सरकार पीएम पद की उम्मीदवार पूछ लूँ, मैं पीएम पद पर आप किसे देखना चाहते हैं? पीएम पद तो अच्छा चल रहा है, 2024 में इलेक्शन होना है सर, तो आप किसे चुनेंगे? ऑब्वियसली मोदी साहब ही जीतेंगे। कहाँ से हैं सर आप? आसाम से। सर आप कहाँ के रहने वाले? इंदौर। क्या लगता है सर अब की बार किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में नहीं सर, 2024 पीएम कल में मोदी जी खुश हैं सर आप? मोदी जी आपको क्या लगता है? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं सर, मैं आपकी राय जानने आई हूँ। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी तो ये सारी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी? जो करते हैं खत्म इसको, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेस्टेबल। तो आइए और भी लोगों से हम लोगों की राय जानते हैं। सर क्या लगता है अभी 2024 के चुनाव होने में कौन आएगा? नरेंद्र मोदी। अब की बार किसकी सरकार, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? तो कुछ कहना मुश्किल है, टक्कर देखिए किस किस में टक्कर है? कांग्रेस और बीजेपी वही है अभी टक्कर। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या है, शायद कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस राहुल गांधी। आपको क्या लगता है सरकार कांग्रेस की बनेगी? हाँ क्यों सर, मोदी जी भी तो टक्कर में हैं। मोदी का महंगाई हुआ सबसे बड़ा मुद्दा, जब से आए उसके बाद देखे इधर ये जो साल जो है ये पेट्रोल डीजल खाने के वस्तु का कहाँ लेकर चले गए, इनको काहे लोग रखेगा, ये जाए आएगा तो दूसरा आएगा वही से चलाएगा। इसके पहले भी तो कांग्रेस थी लेकिन इस तरह से नहीं थी। इन्होंने कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ सो हम करेंगे, कर दिए, जो आज तक अभी तक नहीं हुआ। ये 35 रुपये ला रहे थे पेट्रोल, ये और एक थे बाबा मिलकर, तो तेल चला गया 135 पर। कहाँ के रहने वाले हम? तो यहीं के रहने वाले, दिल्ली के। हाँ लेकिन यहाँ अब नहीं, अब नहीं ना, अब की बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है सर क्या होगा? बीजेपी आएगी। अभी तो सर ने बोला कि बीजेपी नहीं आएगा, बीजेपी ने महंगाई तो लाई है लेकिन काम नहीं करा, काम करा वो उसके हाथ में तो है नहीं कि भाई बाहर देश में जो मिलेगा रेट में पेट्रोल वगैरह, वो इंडिया में तो महंगा मिलेगा। तो पहले तो कांग्रेस के टाइम में 120-135 को पेट्रोल पहुँचा था, प्याज भी बिकी थी 120 रुपये। तब बीजेपी के टाइम में 90 रुपये प्याज बिकी है, ज़्यादा महंगे नहीं बिके। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी आएंगे। चलिए ये और भी लोगों से जानते हैं, अभी आपने सुना कि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उसी में किसी का कहना है कि केजरीवाल की सरकार आएगी। आइए और भी लोगों से जानते हैं, सर क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आएगी लोकसभा? केजरीवाल ही लग रहा है, केजरीवाल लग रहा है। तो सर मोदी जी की सरकार रिपीट नहीं होगी? हेलो, आपकी क्या राय है सर, मैं आपकी राय जानने आई हूं। हमारी राय एक केजरीवाल की। लोकसभा में मोदी जी है। मोदी जी से खुश है सर? तो
दिल्ली में तो खैर केजरीवाल आए कि हमारे हिसाब से मोदी जी को ही आना चाहिए और मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया लेवल में मोदी जी का काफ़ी बदलाव देखे हैं और हर चीज़ अच्छा। महंगाई कुछ बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण मोदी जी नहीं है। महंगाई किसी भी सरकार किसी भी सत्ते में बढ़ सकती है, लेकिन सुधार के मामले में देखा जाए तो हमारा देश मोदी जी के सरकार में बहुत आगे निकले है। वर्ल्ड में हर एक जगह मोदी जी जैसा नेता का नाम बचा और हो रहा है, और मोदी जी ही चाहिए। हम लोग धनबाद के रहने वाले, दिल्ली घूमने के लिए। फिलहाल जिस हिसाब से हम देख रहे हैं दिल्ली में जैसा बदलाव होना चाहिए वैसा तो दिख नहीं रहा है दिल्ली में तो केजरीवाल। हाँ, लेकिन मुझे वैसा बदलाव समझ नहीं है, पहले भी आए। तो अभी तक आपने सुना कि जो भी मैंने जनता की राय लिया, जनता की क्या राय है, अब की बार किसकी सरकार, अगला प्रधानमंत्री कौन, इन सब मुद्दों पे हमने लोगों से बातचीत की। किसी का कहना है कि मोदी जी ही आएंगे, तो कोई कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कोई कह रहा है कि केजरीवाल की सरकार आएगी। अब देखना ये होगा कि 2024 के इलेक्शन में किसकी सरकार आती है, लोग किसे चुनकर पीएम पद पर बैठाते हैं। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।